पीएम मोदी के द्वारा मंगलवार को 15 अप्रैल से 3 मई तक देश में फिर से लॉकडाउन की घोषणा को लेकर भागलपुर के डीएम प्रणब कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम ने लॉकडाउन 2 को और अधिक सख्ती से लागू कराने एवं कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। डीएम ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई गई है और सभी को सरकार के निर्देश के अनुसार उसका अनुपालन करना होगा। आवश्यक सेवा के अलावा किसी प्रकार के निजी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी एवं दोपहिया वाहनों पर एक से अधिक व्यक्ति को चलने की मनाही होगी। डीएम ने कहा कि जिले भर में अब तक 163 कोरोना संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से 7 कोरोना पॉजिटिव मायागंज अस्पताल से ठीक होकर चले गए हैं और फिलहाल जिले में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। सरकार के निर्देश पर घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है, जिससे पूरी तरह से कोरोना को हराया जा सके। इसके अलावा राशन कार्ड, राहत सामग्री, विधि व्यवस्था, खाद्यान्न वितरण एवं क्वारंटाइन सेंटर से संबंधित जानकारी दी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन में गरीब परिवार के समक्ष खाद्य सामग्रियों की काफी समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ की ओर से लगातार राशन वितरण किया जा रहा है। साथ ही संघ की ओर से घोघा, कहलगांव, नवगछिया, जमालपुर, मुंगेर सहित कई क्षेत्रों में जरूरतमंदों तक दवाई पहुँचाई जा रही है। संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने बताया कि कोई भी जरूरतमंद संस्था के हेल्पलाइन नंबर 9473040127 पर कॉल कर दवाई अपने घरों तक मंगवा सकते हैं। साथ ही राष्ट्रीय महिला जागरण समिति की अध्यक्ष अनुराधा खेतान ने कहा कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और लॉकडाउन में अपने घरों में रहकर प्रशासन की मदद करनी चाहिए। इस अभियान में प्रभा देवी अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, ऋषि खेतान, मिनहाज आलम सहित कई संघ से जुड़े सदस्य शामिल थे। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ RPF, GRP एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, साथ ही साथ दवाई भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें कहलगांव से लेकर पीरपैंती, मिर्जा चौकी, बाराहाट के साथ साथ नौगछिया, मुंगेर, जमालपुर, तारापुर, सुल्तानगंज आसपास क्षेत्रों में संस्था के द्वारा 4 एम्बुलेंस इस काम में लगी हुई है। जिन व्यक्ति को मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, पटना से या कलकत्ते से या भागलपुर से उनके तक नहीं पहुंच पा रही है, लोग लॉकडाउन के कारण नहीं निकल पा रहे हैं, वो केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, जो अखबारों के माध्यम से भी लोगों तक इसकी सूचना फेसबुक के माध्यम से, सिल्क TV के माध्यम से लोगों को ये अवगत कराया गया है, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो लॉकडाउन के अंदर में और इसका पूरा से पूरा लाभ लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को किए गए संबोधन में लॉकडाउन 3 मई तक जारी रखने की बात कही गई है। इसी को लेकर भागलपुर समीक्षा भवन में डीएम प्रणब कुमार की अध्यक्षता में नगर निगम सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। डीएम ने बैठक में नगर आयुक्त, महापौर एवं उप नगर आयुक्त से शहर के 8 स्थानों पर सामूहिक रसोई की शुरुआत करने की बात कही। डीएम ने कहा कि शहर में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने की समस्या हो रही है और इसके निदान के लिए शहर में दक्षिणी क्षेत्र, नाथनगर, बरारी एवं शहर के मध्य भाग में लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में कहा गया कि शहर के 5000 परिवार के लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया था, जिसे तकनीकी कारणों से रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि अगले 7 दिनों के अंदर सभी आवेदकों को राशन कार्ड मुहैया कराने की बात कही गई। डीएम ने लॉकडाउन के दौरान आम लोगों की जरूरत एवं परेशानियों का ख्याल रखते हुए शहर में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश नगर निगम प्रशासन को दिया और पूरी सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराने की बात कही। मौके पर महापौर सीमा शाह, DDC सुनील कुमार, नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी, ADM राजेश झा राजा, सहायक DM आशुतोष कुमार समेत निगम के कई पदाधिकारी एवं पार्षद मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही देश भर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। भागलपुर के कचहरी चौक, तिलकामांझी चौक, स्टेशन चौक, खलीपाबाग चौक समेत कई स्थानों पर पुलिस ने सख्ती के साथ लॉकडाउन के नियम का पालन कराया और मटरगश्ती करने निकले लोगों की जमकर क्लास लगाई। ड्यूटी में तैनात DSP संजीव कांत और पुलिस जवानों ने कचहरी चौक पर सघन अभियान चलाया। DSP ने कहा कि पहले की तुलना में लोग घरों से कम निकल रहे हैं और जो लोग अनावश्यक निकल रहे हैं, पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन की तिथि बढ़ाए जाने के बाद शहर में पुलिस अधिकारी और जवानों ने सड़क पर घूम रहे लोगों पर शिकंजा कसा, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने।
देश भर में आज लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इसके साथ ही लॉकडाउन को लेकर के सख्ती तेज कर दी गई है। भागलपुर में आप देख सकते हैं खलीफाबाद चौक से यह तस्वीर की किस तरीके से पुलिसकर्मी हर आने जाने वाले की चेकिंग कर रहे हैं और अनावश्यक जो घर से निकले हैं उसमें उनको दंड भी लगाया जा रहा है, फाइन काटा जा रहा है। बिना हेलमेट पे जो लोग निकले हैं और जो बिना कारण के घर से निकले हैं उनके ऊपर पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चालान काटा जा रहा है, लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है और उनसे साथ ही साथ यह भी अपील की जा रही है कि आप लॉकडाउन का पालन करें और अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। और काफ़ी संख्या में लोगों की यहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा चालान काटा जा रहा है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों की यही तस्वीर, पुलिस प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। सिल्क टीवी भी आपसे यह अपील करती है कि लॉकडाउन जो लागू किया गया है देश में कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए, उसके संक्रमण को समाप्त करने के लिए, इसमें आप पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का सहयोग करें। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद निजामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। कोरोना संकट के बीच राशन कार्ड धारकों को डीलर द्वारा घटिया चावल दिया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। कई लाभुकों ने चावल लेने से इनकार कर दिया और डीलर के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। वहीं डीलर ने कहा कि आपूर्ति विभाग द्वारा उन्हें यह चावल उपलब्ध कराया गया है। वहीं लाभुकों द्वारा हंगामा किए जाने की सूचना मिलते ही खाद्य निगम के सहायक प्रबंधक मोहम्मद जमाल और एमओ अतुल कुमार मौके पर पहुंचे और डीलर द्वारा बांटे जा रहे चावल की जाँच की। इस दौरान एमओ ने चावल की गुणवत्ता को देखकर असंतोष व्यक्त किया और डीलर को चावल बदलकर बांटने का निर्देश दिया। तो हमको पता चला कि नवाड़ बारा में कि कुछ डीलरों के द्वारा जो है अनाज जो दिया जा रहा है उस अनाज में कुछ गंदगी है। तो मैं अभी जस्ट अभी उसी में हमको खबर हुआ है, हम आए हैं देखने के लिए। पहले इसको देख लेते हैं क्या है, इसमें सच्चाई क्या है, किस तरह का है, फिर उसके बाद जो होगा, अगर मानी अगर अनाज उस तरह का अगर मेरे गोडाउन से आया होगा तो उसको फिर से हम लोग वापस करके फिर फ्रेश अनाज भिजवाएंगे। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भागलपुर के वार्ड नंबर 21 स्थित हनुमान मंदिर परिसर में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष दास ने गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। इससे पूर्व मनीष दास एवं युवाओं ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और संविधान का पालन करने की बात कही। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया गया, जिससे कोरोना महामारी से सभी लोगों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। मंदिर परिसर में बनाए गोल घेरे में रहकर जरूरतमंदों ने राहत सामग्री ली। वहीं मनीष दास ने कहा कि बाबा साहब संविधान निर्माता होने के साथ हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं और लॉकडाउन के कारण जयंती समारोह नहीं मनाकर गरीबों को राहत सामग्री बांटी गई। साथ ही कहा कि सभी लोग घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करें। गौरतलब हो कि अंबेडकर जयंती पर प्रत्येक वर्ष कई बड़े कार्यक्रम किए जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण आयोजन को स्थगित कर दिया गया। हालांकि स्टेशन चौक पर एक व्यक्ति ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। जिस प्रकार आपदा की घड़ी पूरे भारतवर्ष में आ गई है, इस घड़ी में हम लोगों का ये उद्देश्य है हर गरीब को राशन मिले, हर गरीब खाना खाए, भूखे कोई नहीं सोए, ऐसा संकल्प लिए आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समाज के इर्द गिर्द के लोगों को, जो कि थोड़ा खाने में उनको परेशानी है, उन्हें राशन, सूखा राशन मुहैया कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। और इसके पूर्व भी हम लोग लगे हुए हैं समाज में, जहां जहां से सूचना आती है कि लोग भूखे हैं वहां तक अन्न पहुंचाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। भागलपुर सदर अनुमंडल कार्यालय में प्रतिनियुक्त कार्यपालक सहायकों ने मंगलवार को कार्य का बहिष्कार कर दिया। राशन कार्ड बनाने में जुटे सहायकों ने बताया कि लॉकडाउन में वे लोग कई किलोमीटर दूर से सदर अनुमंडल कार्यालय आते हैं। इस दौरान पुलिस उन्हें आने जाने में बेवजह परेशान करती है। कार्यपालक सहायक गणेश कुमार ने कहा कि कार्यालय द्वारा निर्गत आईडी कार्ड दिखाने के बाद भी ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी उन्हें प्रताड़ित करते हैं। वहीं दिवाकर कुमार ने कहा कि सदर अनुमंडल कार्यालय में उन लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए काम कराया जा रहा है। वहीं अपनी मांगों को लेकर भागलपुर, नाथनगर, शाहकुंड, जगदीशपुर, सबौर और गोराडीह के सहायकों ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार को आवेदन देकर सामूहिक कार्य बहिष्कार करने की बात कही है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए समाज के हर वर्ग के लोग अब लॉकडाउन में अपना सहयोग कर रहे हैं। भागलपुर के सब्जी विक्रेताओं ने भी प्रशासन को सहयोग देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। लोहिया पुल के समीप सब्जी बेच रहे एक दुकानदार मास्क पहनकर आने वाले लोगों को विशेष छूट दे रहे हैं।
लॉकडाउन में सब्जी पर छूट की देखिए ऑन द स्पॉट यह रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। इसी के साथ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और भागलपुर से जो सबसे बड़ी खबर ये देखने को मिल रही है इस वक्त उल्टा पुल पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी खबर ये देखने को मिल रही है कि सब्जी विक्रेता सब्जी बेच रहे हैं लेकिन इन सब्जी का जो मूल्य है उससे जो मास्क पहन करके आए हैं सब्जी विक्रेता खुद मास्क पहन करके बैठे हैं और सब्जी तौल रहे हैं और जो मास्क पहन करके आए हैं उसको किलो में 5 रुपया कम करके सब्जी तौल करके दे रहे हैं। वो ऐसा दुकानदार क्यों कर रहे हैं आइए हम उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर बताइए आप 5 रुपया किलो में कम क्यों बेच रहे हैं? काहे कि लॉकडाउन का पालन कर सके आदमी लोग इसलिए ताकि इसलिए 5 रुपया कम में। धूप है इतनी और ग्राहकी भी थोड़ा कम रहता है और क्या और इसी ताकि जनता प्रधानमंत्री का पालन आज्ञा का पालन करे लोग बीमारी से बचा रहे और दूरी बनाए रखना चाहिए। तो लोग दूरी बनाए रखें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें इसको लेकर सब्जी विक्रेता ने भागलपुर के जो सब्जी कुछ सब्जी विक्रेता है उन्होंने अपने मूल्य में कमी कर दी है और जो मास्क पहन करके आ रहे हैं। सर बताइए कैसे किलो आपको बताया गया था और कैसे सामान मिला? दो देखिए बाजार में 30 रुपया किलो है 30 रुपया में हमने मोला के लिए आप हमको दिया 15 रुपया किलो। क्यों दिया 15 रुपया किलो? अब वो जाने दुकानदार जाने बता रहे हमको पोसाया तो हम ले लिए। मास्क लगा के आए थे इसकी? जी नहीं मास्क तो लगाना है पूरी जनता को लगाना है भारत वर्ष को लगाना है। मास्क जो लगा के आए उन्होंने ये ठाना है उन्होंने ये फैसला इन्होंने लिया है कि जो मास्क लगा करके आएंगे उसे वह सब्जी में प्रति किलो 5 रुपये की कम करके सब्जी बेचेंगे। यह एक भागलपुर से अच्छी खबर है बड़ी खबर है और ऐसा करने से अगर लोग दुकानदार इतने छोटे तबके के लोग अगर जागरूक हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो देश में लॉकडाउन है वो कितना सफल होगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन सिल्क टीवी भागलपुर। 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने की घोषणा होते ही पुलिस प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। मंगलवार को मुंगेर एसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले बाइक चालकों की जमकर क्लास लगाई गई। वहीं 300 से अधिक वाहनों को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दरअसल डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के निर्देश के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है जिसको लेकर एसपी लिपि सिंह ने मुंगेर सीमा पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की सघन जांच की गई। एसपी लिपि सिंह ने कहा कि 57 मोटरसाइकिल को जब्त कर 52,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। एसपी ने सभी थानेदारों को लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। मुंगेर में लॉकडाउन को और भी ज्यादा सफल बनाने के लिए सख्ती करते हुए जो लोग मटर गश्ती करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे थे या फिर जो कि मोटर व्हीकल के जितने भी नियम हैं उनका उल्लंघन करते हुए और इसकी चीज की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे थे तो आज मुंगेर पुलिस ने अभी तक 295 ऐसे लोगों पर एफआईआर की है और उनके जो वाहन हैं वो जब्त किए गए हैं और उनपे जो सुसंगत धाराएं हैं चाहे वो मोटर व्हीकल की हो चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट की वॉयलेशन की हो उसको किया जा रहा है। हम लोग की यही अपील है कि जो लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस या प्रशासन की मदद करिए नहीं तो हम लोगों को सख्त कार्रवाई करनी है। इसका आदेश भी बहुत क्लियरली हम लोग को दिया गया है। कोरोना वायरस के कहर से पूरा विश्व त्राहिमाम है। ऐसे में गरीब परिवारों के बीच खाद्य सामग्रियों की संकट आ गई है। भागलपुर जिला के कई प्रखंडों में लॉकडाउन को लेकर गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आमजनों की समस्या को देखते हुए जिला पार्षद डॉक्टर अशोक कुमार आलोक द्वारा पिछले 13 दिनों से जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। मंगलवार को डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने लॉकडाउन के कारण फरीदाबाद में फंसे 100 से ज्यादा बेवस लोगों को 10 दिनों का राशन पहुंचाकर उन्हें हिम्मत दिया। डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने कहा कि इस विपत्ति की घड़ी में देश का कोई नागरिक भूखा न सोए इसको लेकर लगातार राहत सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। वहीं राशन मिलने के बाद फरीदाबाद में फंसे मजदूरों में काफी खुशी थी और वह डॉक्टर अशोक कुमार आलोक को धन्यवाद दे रहे थे। फंसा हुआ तो 1,000-2,000 उसको फोन पे के माध्यम से या अकाउंट के माध्यम से उसको हम भेज रहे हैं लेकिन एक बड़ी घटना समझ में आई हमें जानकारी में आई कि हरियाणा के ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के बगल में
रेलवे का माल गोदाम है, उस माल गोदाम में काम करने वाले लगभग 150 परिवार बुरी तरीके से परेशान थे, जिसमें कि नाथनगर के भतोड़िया, गोलाहू, गोसाईदासपुर, बांका और नौगछिया के लगभग ये परिवार वहाँ पर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। उससे जो मुझे जानकारी मिली उसके उन्होंने सांसद महोदय, विधायक जी और अन्य कई प्रतिनिधि से उन्होंने संपर्क किया, लेकिन उन्हें किसी से कोई मदद नहीं मिला। मेरे फेसबुक लाइव से मेरा नंबर उन्हें मिला और उन्होंने मुझसे संपर्क किया और वीडियो मुझे उन्होंने भेजा। उनके दुख और समस्या को मैंने समझा और संजोग था यह कि हमारे मित्र विजय गोस्वामी जी, जो अपने बड़े भाई का इलाज कराने के लिए हरियाणा दिल्ली में गए हुए हैं, और उन्हीं के अकाउंट पर हमने लगभग 20,000 रुपया भेज करके उस सभी परिवार वालों के लिए उन लोगों ने ही कहा कि 10 दिन का अनाज हमें खरीदना है कम से कम, फिर हम संभव सक्षम हो जाएंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर चल रहे लॉकडाउन के बीच सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को हो रही है। अस्पताल में ओपीडी सेवा बंद कर दिए जाने के बाद डॉक्टरों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मरीजों से दूरी बना लिया है। वहीं लॉकडाउन में गर्भवती महिलाएं घरों में कैसे सुरक्षित रह सकती है और कोई प्रॉब्लम होने पर क्या करे, इसको लेकर हमने बात की वसुंधरा फर्टिलिटी सेंटर नागपुर की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिजू अंगिक से। डॉक्टर रिजू ने कहा कि लॉकडाउन में महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है, साथ ही मानसिक तनाव से बचने की सलाह दी। गर्भवती महिलाएं जो हैं लॉकडाउन में, सबसे पहले तो मैं उनको बोलूंगी कि आप तनाव बिल्कुल ना लें, और जो अभी जस्ट डिलीवर के हैं, जिनको अभी जस्ट बच्चा हुआ है, वो भी बिल्कुल टेंशन ना लें। सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहूंगी कि आप इस लॉकडाउन में उनके साथ ज्यादा बॉन्डिंग कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है, सवाल उठता है कि कोरोना वायरस है तो प्रेग्नेंसी पे उस पर क्या असर पड़ेगा। तो प्रेगनेंसी, चूंकि आप जैसा जानते हैं कि प्रेगनेंसी के समय इम्यून सिस्टम जो हमारी थोड़ी वीक हो जाती है, तो कोरोना का संक्रमण होना ज्यादा हो सकता है उन गर्भवती महिलाओं को। तो इसलिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, जैसे कि सरकार द्वारा जितनी भी जानकारी दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ हैंड वॉशिंग, आइसोलेशन, किसी भी बाहरी आदमी से कम कांटेक्ट रखें, ये सारी चीजें, ये सारी नियमों का पालन रखना होगा। साथ में आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो खान पान में हो, जहां विटामिन सी जैसे मौसमी हो गई, नींबू हो गया, साथ में आपकी एंटीऑक्सीडेंट रिच जो सब्जियां होती है, कलर्ड फ्रूट्स रहते हैं, जो गाजर हो गया, ये सारी चीजों का सेवन करें। कोरोना वायरस से लड़ाई में पुलिसकर्मी दिन रात मुस्तैद हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा और सहयोग के लिए टीम आसरा की ओर से लगातार राहत सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। आसरा संस्था की टीम शहर में राहत सामग्रियों का वितरण कर रही है। आसरा के सदस्य शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी एवं अन्य जरूरतमंदों के बीच पानी, बिस्किट, स्नैक्स एवं अन्य खाद्य सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं। साथ ही संस्था के सदस्यों द्वारा शहर में जगह जगह जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। संस्था के आशीष सर्राफ, विनय शाह, अतिशय जैन, मंटू सिंह सहित कई लोग इस अभियान में शामिल हैं। बांका जिला के शंभूगंज में मंगलवार को दो पक्षों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि खनेखा के तालाब में कुछ लोग मछली मार रहे थे, जिसको लेकर तालाब के समीप ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ जुटता देख गांव के ही भगवान यादव एवं अन्य लोग सभी को भीड़ इकट्ठा करने से मना कर रहे थे। इसी बात से नाराज होकर संजीव शाह, फंटुस शाह, उमेश शाह एवं दीपक शाह ग्रामीणों से उलझ गए और ग्रामीणों पर लाठी डंडा से प्रहार शुरू कर दिया। झड़प में भगवान यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए घायल को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि सूचना मिलते ही शंभूगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लगाए गए लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा एवं ठेला चालक के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। देश में कोई गरीब भूखा न सोए, इसी मुहिम को लेकर बांका विकास मंच द्वारा लगातार राहत सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। मंगलवार को मंच के सदस्यों ने भुखमरी से जूझने वाले परिवारों की सूची बनाई और उन सभी परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाया। साथ ही मंच के सदस्यों ने सभी से लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करने एवं अपने अपने घरों में रहकर प्रशासन की मदद करने की अपील की।
राहत सामग्री वितरण के दौरान बांका पुलिस एसोसिएशन के उपेंद्र सिंह, मनीष अग्रवाल, निर्मल झा, कुंदन शाह समेत कई लोग मौजूद थे।